इंटरव्यू का सिलेबस है उसको पढ़िए और उसको कम से कम 200 बार पढ़िए, तो आपको यूपीएससी की एक्सपेक्टेशन पता लग जाएगी। स्लीपिंग पैटर्न के लिए पहले बोलूँगा कि इंटरव्यू रूम में नहीं सोना है, कि जहाँ मैं पैदा हुई थी उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या था, उसकी हाइट क्या थी। फैक्ट से ओवरलोड नहीं करें। डू यू थिंक दे आर हायरिंग यू फॉर जॉब? सर्टनली नॉट, दे आर हायरिंग फॉर ट्रेनिंग। आई एम गोइंग टू बी इवेल्युएटेड फॉर हु आई एम। अगर आप पीटी में हैं तो आपकी रिएक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट हो रही है, आपकी चॉइसेस टेस्ट हो रही हैं। मेंस में जाते हैं तो आपकी टेक्सचुअल पर्सनालिटी टेस्ट हो रही होती है। जब आप इंटरव्यू में जा रहे होते हैं तो चेक कर रहे होते हैं कि आपके अंदर की। हेलो सर, माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द इंटरव्यू। व्हाट शुड बी द माइंडसेट फॉर द इंटरव्यू? बॉडी फ्रेम, माइंड फ्रेम एंड व्हाट शुड बी द स्लीपिंग पैटर्न टू इंक्रीज द एफिशिएंसी? स्लीपिंग पैटर्न के लिए पहले बोलूंगा कि इंटरव्यू रूम में नहीं सोना है, ठीक है? बाकी आप कहीं भी सो रहे हैं, मतलब वह मतलब सोने का मतलब फिजिकल सोना होता है और एक होता है मेंटल सोना। मेंटल सोने में बहुत सारे लोग, एक तो कुछ लोग ये हो जाते हैं कि अब मुस्कुरा ही रहे हैं बैठ करके कि जी अब तो बन ही गए, हम तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। तो यू शुड गो प्रिपेयर्ड। ये आपका इंटरव्यू है एंड इट इज़ नॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। सबसे पहला जो माइंडसेट आपको बनाना है वो ये बनाना है कि मैं वहाँ पर अपने इंफॉर्मेशन को देने नहीं जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू बी इवेल्युएटेड फॉर हु आई एम। तो अगर आप अपने, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद इन योर ओन स्किन, आई थिंक इट विल बी रिफ्लेक्टेड देयर। द वे यू सिट, द वे यू स्पीक, द वे यू थिंक, द वे यू टॉक एंड द वे यू बैक योर सेल्फ अप। आप सबको जो भी इंटरव्यू दे रहे हैं, मैं ये बताना चाहूँगा कि आप यूपीएससी के गजट में जा करके इंटरव्यू का सिलेबस है उसको पढ़िए और उसको कम से कम 200 बार पढ़िए। हो सके तो उसके 5-7 कॉपी निकाल करके अपने बेडरूम में, अपने टेबल पे, बाथरूम में, जहाँ भी जाते हैं आप, उन सब जगह चिपका दीजिए। तो आपको यूपीएससी की एक्सपेक्टेशन पता लग जाएगी कि आपसे चाहती क्या है ये संस्था। एक बार एक्सपेक्टेशन पता लग जाएगी, जहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा होगा कि आपकी जानकारी पूछी जाएगी, तो आपको अगर आपके कोई जानकारी नहीं आती है तो आपको कोई समस्या नहीं आती है। नॉर्मली लोग क्या होते हैं, जब जैसे ही रिजल्ट आता है मेंस का, स्टेक बढ़ता चला जाता है। पीटी पास कर गए तो स्टेक बढ़ गया, मेंस पास कर गए तो और स्टेक बढ़ गया, और इंटरव्यू तक जाते जाते वो स्टेक को इतना बढ़ा देते हैं कि दे स्टार्ट क्रैकिंग एट लॉट्स ऑफ प्लेसेस। आई डोंट थिंक उसको आप हावी होने दें अपने आप को। उसको इंटरव्यू को एक ऐसा मौका लें कि फैक्ट से ओवरलोड नहीं करें। नॉर्मली लोग फैक्ट से ओवरलोड करके अपने आप को परेशान कर देते हैं, जहाँ मैं पैदा हुई थी उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या था, उसकी हाइट क्या थी, उससे समुद्र की दूरी कितनी थी। ये पागल हो जाएंगे आप लोग ऐसे इकट्ठा करें, और नहीं आती तो नहीं आती है, शर्म थोड़ी है। यू हैव टू बी कम्फर्टेबल विथ योर ओन सेल्फ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं आती है, बोल देंगे मैं जाके सीख लूँगी, एब्सोल्युटली फाइन। एंड डू यू थिंक दे आर हायरिंग यू फॉर जॉब? सर्टनली नॉट, दे आर हायरिंग फॉर ट्रेनिंग। तो अगर आपके अंदर ये पर्सपेक्टिव क्लियर है, आपको लगता है क्या कि उन 5 लोगों को अपने ज्ञान से उनको प्रभावित कर देंगे? कभी नहीं। वो अकेले अकेले, उनकी एक्सपीरियंस आपकी उम्र से ज़्यादा है। तो नो योर पर्सपेक्टिव, जहाँ से आप बोल रहे हैं, कितना बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं। और एक जो चीज़ जो नॉर्मली लोग मिस कर जाते हैं, और उस पर केस जी और मैं विशेष रूप से जोर देता हूँ, वो ये कि अपनी पर्सनालिटी के एक फ्रेश एवोल्यूशन को मिस मत कीजिए। आपको अगर थोड़ा सा पीछे लेके बताना चाहूँगा, अगर आप पीटी में हैं तो आपकी रिएक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट हो रही है, आपकी चॉइसेस टेस्ट हो रही हैं, कि अगर क्वेश्चन के साथ साथ जवाब भी दे दिया जाए तो आप सही जगह पर उंगली रख पाते हैं कि नहीं, आपके थॉट कंफ्यूज तो नहीं हैं, विचार रवाकृत हैं कि नहीं, ये चीज़ चेक होती है। मेंस में जाते हैं तो आपकी टेक्सचुअल पर्सनालिटी टेस्ट हो रही होती है, आपके एनालिसिस, आपके अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, वो सब टेस्ट हो रहा होता है, और आप कैसे कितना टेक्सचुअली एक्सप्रेस कर रहे हैं वो चेक होता है। जब आप इंटरव्यू में जा रहे होते हैं तो चेक कर रहे होते हैं कि आपके अंदर की जो सॉफ्टवेयर है वो कैसी है, मतलब इस सॉफ्टवेयर पे हमारा हार्डवेयर इस हार्डवेयर पर जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो चलेगा कि नहीं, आपके सॉफ्टवेयर और उनके सॉफ्टवेयर की कंपैटिबिलिटी है कि नहीं, ये चेक कर रहे हैं। और वो कैसे चेक कर रहे हैं? आपके बोलने से। एंड नॉर्मली हम अच्छे विचार रखते हैं, अच्छी जानकारी रखते हैं, और अपने आप को ट्रेन नहीं कर रखा है
एज ए स्पोकन पर्सन, तो वो रह जाता है अंदर, बाद में उनको कोई और तरीका नहीं है कि आपको जान पाए, आपका वजन लेने से, आपके हाइट लेने से, या आप कोई और आपके ब्लड सैंपल लेने से, उनको आपके इनके बारे में जानकारी नहीं होगी अगर आपकी सोच बहुत अच्छी है और बोल नहीं पा रहे तो. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड इवॉल्व एज ए स्पोकन पर्सन. और स्पोकन पर्सन का एक विशेष उसकी प्रक्रिया है, एक विशेष उसका माध्यम है. मेरे ख्याल में यहाँ पर इस स्तर पर वो बहुत डिटेल हो जाएगा, इसलिए मैं वो नहीं बताना चाहूँगा. बट यू शुड बी कॉन्शियस दैट एम आई एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ और नॉट, मैं बोल पा रही हूँ कि नहीं बोल पा रही हूँ. तो उसके लिए आप कोशिश करें कि जो प्रश्न है आपके उसको आप एक्सप्रेस करके अपने आप को सेटिस्फाई कर लेती हैं, कुछ जो आपके आसपास के लोग हैं उनको सेटिस्फाई कर लेती हैं. अगर ये चीज़ हो रही है तो आपकी पर्सनालिटी एज अ स्पोकन इज इवॉल्विंग, एंड दैट इज़ व्हाट आई बेसिकली शुड बी फोकसिंग ऑन एज फार एज इंटरव्यू इज कंसर्न. हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश टॉक्स से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में. तो इसलिए जोश टॉक्स ने कॉन्टैक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए KSG IAS के खान सर को और हिंदी मीडियम के लिए संस्कृति IAS को. शायद खान सर और KSG IAS की इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है, देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है KSG. सृष्टि जैन देशमुख, शायद आपने नाम सुना हो, सर की ही स्टूडेंट रही हैं जिन्होंने 2018 में AIR 5 हासिल की. वहीं संस्कृति IAS के भी बहुत स्टूडेंट्स ने UPSC में टॉप रैंक्स प्राप्त की हैं. कुछ ही समय में उनके भी बहुत स्टूडेंट्स की टॉक्स रिलीज होने वाली हैं. तो जोश टॉक्स ने KSG IAS और संस्कृति IAS से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं. मुझे बहुत खुशी है हम सबके साथ ये बात शेयर करने की कि दोनों ही इंस्टीट्यूट्स मान गए. वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी अब हम अफोर्ड कर पाएंगे. ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते. जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं. जब आपको कॉल आए तो प्लीज ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए. जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है. जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था. जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकालने दे. लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने IAS बनने के सपने से रोक नहीं सकती. जोश टॉक से एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा. आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दें, बाकी जोश संभाल लेगा. जय हिंद.